हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए वह एकांतवास में रहेंगे। उन्हें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है, बावजूद इसके रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दुष्यंत चौटाला पूरी एहतियात बरत रहे हैं। वहीं दुष्यंत ने वीडियो संदेश के जरिए उन सभी लोगों से कोविड-19 टेस्ट कराने की अपील की है जो बीते एक सप्ताह से उनके संपर्क में आए हैं। चूंकि उप मुख्यमंत्री सिरसा में होने के कारण लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए हुए थे, लोगों की समस्याओं को भी निरंतर उन्होंने सुना। सोमवार को वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GST काउंसलिंग की बैठक में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बुखार या कोरोना का कोई अन्य लक्षण नहीं है, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण वह स्वयं एकांतवास में चले गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी सभी हिदायतों का पालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि उनसे पहले CM मनोहर लाल, परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कृषि मंत्री समेत दर्जन से ज्यादा विधायक सांसद भी संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी बीते दिनों कोरोना की चपेट में आ गए थे। बता दें कि चौटाला तीसरे उप मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उनसे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रताप मौर्य भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सिसोदिया की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, वहीं मौर्य अभी रिकवर कर रहे हैं। बताते चले कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना संक्रमित हुए हैं। दुष्यंत चौटाला को होम आइसोलेट कर दिया गया है। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने पुष्टि की है कि उनकी रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोई लक्षण कोविड-19 के बुखार वगैरह कोई है नहीं, मगर क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रहा हूं। और जो जो साथी पिछले एक सप्ताह से मुझसे मिले हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी अपना टेस्ट कराने का काम करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।